नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान में, आपके साथ तरन्नुम जहान शेख। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो आपको बता दें कि बीजेपी विधायक मदन दिलावर फिर हुए आक्रामक, और ऐसे में एक बार फिर से आक्रामक नजर आए। विधायक दिलावर ने यूडीएफ मंत्री शांति धारीवाल को जमकर निशाना साधा है, कहा कि विकास के सभी कामों में हुए भ्रष्टाचार की वो आ रही है ये बड़ी खबर। यदि सीबीआई जांच हुई तो कई लोग जेल में जाएंगे। तो लगातार वार पलटवार का सिलसिला जारी है, धारीवाल का ध्यान नहीं है। यहाँ पर घपला और कमीशन जैसी खबरें भी सामने आ रही है। राजस्थान में क्योंकि नालों की सफाई नहीं हुई और शहरों की छोटी छोटी नालियों की तक सफाई नहीं हुई। धारीवाल जी, आप क्या देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जो आप राजस्थान के शहरों को नहीं संभाल पाए तो आप क्या कर सकते हैं? आपका ध्यान वहीं है, गोबरिया बावड़ी पे ब्रिज बनाना है, उस पर कितना घपला करना है, और आप जितने भी काम कर रहे हैं ना, सब में भ्रष्टाचार की बू आती है। यदि इसकी सीबीआई जांच हो जाए तो धारीवाल जी, गारंटी से कहता हूँ कि आप और आपकी टीम के कई लोग जेलों में जाएंगे, क्योंकि करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है, करोड़ों रुपए का। हम बड़े ईमानदार बंदे घूम रहे हैं, बड़ी शिक्षा देते हैं, कोई भी बोलता तो कहते हैं उसके महल कैसे बने हो, उसके महल ही नहीं बना सके, तुम्हारा क्या लेना देना महलों से? तुम तो चिंता करो अपनी सफाई की, शहरों के डेवलपमेंट की। देश का पैसा, प्रदेश का पैसा बर्बाद मत करो। हमारे देश का पैसा कई योजनाओं में आ रहा है, उसको बर्बाद करो, उसको भ्रष्टाचार पे लगा रहे हैं। कुछ तो श्रम करो, ये हमारी जनता का पैसा है, खरी कमाई का पैसा है। धारीवाल जी, कितना भ्रष्टाचार करोगे, कितना करोगे, क्यों कर रहे हो, कहाँ कहाँ पहुँचाना पड़ता है, ये तो आपको एक दिन आपको ईडी को और सीबीआई को जवाब देना पड़ेगा, नहीं तो जेल जाओगे।